व्यूअर्स, इंडस करोला 93 मॉडल है भाई गाड़ी का, शाइन वाइन बड़ा प्यारा लग रहा है, बाहर से शावर्ड अंदर से ओरिजिनल। अच्छा जी, न्यूली शावर्ड गाड़ी है, शावर्ड का लुक अच्छा है, वाइट कलर। तो भाई देख लेते हैं, ये देखो गाड़ी अपने सामान पे, रूफ विंडस्क्रीन बोनट बम्पर है, लाइट फ्रंट डाली। तो चले आगे की तरफ देख लेते हैं गाड़ी का लुक, माशाल्लाह बम्पर वम्पर का लुक भी अच्छा है। अच्छा जाली वाली की बात करें तो भाई कोई ब्रेकेज नहीं है, फाइन लुक में भाई ने गाड़ी तैयार कराई है। तो चलते हैं छतवत चेक करते हैं भाई, छतवत का लुक भी हमारा फाइन है। आ जाए जी पिलर विलर देख लेते हैं, तो पिलर का लुक भी ओके लग रहा है माशाल्लाह, एक्सीडेंटल केस तो गाड़ी नहीं लगती है। चेक करते हैं गाड़ी। अच्छा अब हम बात करते हैं फेंडर की, तो फेंडर वेंडर का लुक भी अच्छा है। टायर देखें भाई, टायर भाई नए डाले 100% टायर। अच्छा एलॉय रिम तो ओके है, लाइट वेट एलॉय रिम है। अच्छा जी बात करते हैं फुट बैरी की, तो फुट बैरी का लुक चेक कर लें भाई हम, फुट बैरी का लुक भी हमारा ओके, कहीं रस नहीं नजर आ रहा, न्यूली शावर्ड। तो भाई फ्रंट डोर बैक डोर पिलर छत फेंडर वेंडर का लुक तो भी ओके का लुक है। अच्छा पिछला टायर देखें भाई 100% का लुक, 100% टायर है। छतवत देखें भाई। अच्छा बात करते हैं भाई बैक स्क्रीन वगैरह की, किसी किस्म की ब्रेकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही। ये देखें लाइटें बैक लाइट, अच्छा हर चीज़ जो है अपने ओके लुक में, ओरिजिनल कंडीशन, बाहर से शावर्ड अंदर से ओरिजिनल गाड़ी। तो अपने सामान पे गाड़ी, फेंडर वेंडर देख लें भाई ओके लुक में। फुट बैरी की बात करें तो कोई रस मुझे नज़र नहीं आ रहा। डोर की बात कर लेते हैं भाई, डोर वोर का लुक भी हमारा फाइन है, बैक डोर फ्रंट डोर। चलिए जी पिलर विलर देखते हैं, फेंडर तो आ जाए। ये देखिए तो टायर 100% एलॉय, अंदर से चेक करते हैं गाड़ी कैसी तैयार है। तो भाई डोर वोर खुल चुका है, दरवाज़ों की डोरियाँ वोरियाँ दिखा रहा हूँ, दरवाज़ों के पर्दे वगैरह। तो भाई अंदर से तो गाड़ी भाई की अच्छी कंडीशन है, ओरिजिनल। तो अंदर से ये हो गई बात, पिलर विलर दिखा रहा हूँ। अच्छा अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह का लुक भी ओके। डैशबोर्ड देख लेता हूँ, डैशबोर्ड का लुक भी फाइन है हमारा। तो ये डैशबोर्ड का लुक है, तो भाई डैशबोर्ड की कंडीशन दिखा रहा हूँ, एसी वीसी चल रहा है, सिस्टम विस्टम सब चल रहे हैं, तो ओके लुक में गाड़ी है भाई की। आ जाए भाई ये देख लें। अच्छा सीटों वीटों का लुक, तो सीटों वीटों का लुक भी हमारा अच्छा है, ये देख लें भाई। अच्छा ये हो गया भाई हमारा, ये देखिए मैटिंग वैटिंग प्रॉपर तरीके से, ये डोर के पर्दे पिलर छत छतवत देख लें भाई, छतवत का लुक भी ओके भाई, ये देखें भाई। अच्छा तो ये हो गया हमारा दरवाज़ों का लुक, पिलर विलर चेक कर लेते हैं झड़पे अपनी गोले। तो भाई ये लुक हो गया हमारा, अंदर चलते हैं, स्पीकर लगे हुए। अच्छा अब सीटें तो माशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबल है, इनकी पन्नी थोड़ी सी पड़ गई है, लेकिन सीटों का लुक हमारा मुनासिब है। ये देखें भाई बैक डोर फ्रंट डोर, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड का लुक, तो ओके लुक है। चलते हैं इंजन रूम की तरफ। तो भाई ये देखें डोरियों वोरियों का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, फाइन लुक में गाड़ी, ये देखें भाई। अच्छा अभी हो गई अंदर से ओरिजिनल, ये देखें भाई जॉइंट वॉइंट देख लें सब, तो ओके की रिपोर्ट है। अच्छा पंचेस वंचेस सब यकीनन आपको नज़र आ रहे होंगे भाई। अच्छा तो ये लुक है, गाड़ी का सामान भी ओके, बैटरी लगी हुई है, बैटरी का लुक ये है। अच्छा फ्रंट पट्टी की बात करें तो फ्रंट पट्टी का लुक देख लें, फ्रंट पट्टी का लुक भी हमारा अच्छा है। डोरिया माउंटेन माउंटेन के पंचेस वंचेस हर चीज़ दिखा रहा हूँ, चेक कर लें भाई आप, ये देखें। अच्छा इस साइड से देखें ये चेसिस का लुक, तो ये भी नज़र आ रहा है। आ जाते हैं गाटरी की बात कर लेते हैं, गाटरी का लुक भी बहुत फाइन है, देखें भाई नंबर आपके सामने टिकली लगी हुई है, बिल्कुल ओके लुक में गाड़ी। इंजन का लुक भी हमें अच्छा ही मालूम हो रहा है, बाकी डिटेल लूँगा मैं भाई से इंजन की कंडीशन की। तो भाई ये हो गया, देखें पैकिंग वैकिंग अभी तक कंपनी की लगी हुई है, ये देख लें। डोरियों की बात करें इंजन यानी कि बोनेट की, तो वो भी ओके, मिलते हैं हम भाई से। तो व्यूअर्स गाड़ी का ओनर अब्दुल कबीर भाई हमारे साथ, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए सर, ठीक ठाक। सर ये गाड़ी मॉडल 1993 मॉडल है और डिमांड 11 लाख है। 11 लाख रुपए। अच्छा टैक्सेस क्लियर क्लियर है? सब क्लियर है, कागजात कुछ सब। फर्स्ट ओनर है सर, फर्स्ट ओनर है, एक बंदे के लिए। हाँ जी, भाई कीमत में कुछ डिस्काउंट कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे बता दें। 10:30 तक हो जाएंगे। 10:30 कुछ और डिस्काउंट नहीं हो रहा ये तो अभी सर। ओरिजिनल जापानी गाड़ी है सर, बिल्कुल ओरिजिनल जापानी। कुछ हो सके तो कर दें डिस्काउंट हमारे लिए, बड़ी मोहब्बत से लोग हमारा वीडियो देखते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। इसे भी 10:25 लाख बस, 10 जी 10:25 कर दिया भाई ने गाड़ी। जी 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 भाई नंबर बता दिए गाड़ी कहाँ मिलेगी? जी 03003885006। गाड़ी कहाँ देखे? गाड़ी बस सर ये अपना कैदाबाद। ठीक है भाई, कोई नंबर है कैदाबाद का तो बताएं। कैदाबाद नंबर 1 है सर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स GLI 2010 का मॉडल भाई, अगर हम बात करते हैं गाड़ी का ओरिजिनल होने की, तो साइड टचअप बाकी गाड़ी ओरिजिनल लुक अच्छा है। अच्छा जी है, लुक टाइट है गाड़ी का,
तो चेक कर लेते भाई, रूफ विंड स्क्रीन बोनेट बम्पर हेडलाइट फ्रंट वाली। तो भाई फ्रंट स्क्रीन पे आया हुआ है जनाब एक स्क्रैच, जिसे हम बाल कहते हैं। तो भाई ये बाल आया हुआ है, बाकी लुक जो है ओके। तो अब हम बात करते हैं रूफ़ की और जनाब पिलर विलर की, तो पिलर विलर का लुक भी ओके। फेंडर की बात कर लेते हैं भाई, फेंडर का लुक ओके। अच्छा माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई डेंट वेंट नज़र नहीं आया, तो गाड़ी अपने सामान पे। चेक कर लेते टायर की क्वालिटी, तो भाई टायर तकरीबन हमारे ये है तकरीबन 90% का टायर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं व्हील कैप पे गाड़ी, तो डोर वोर चेक कर लेते हैं, फ्रंट डोर की कंडीशन वो भी ओके की रिपोर्ट है। पिलर देखते हुए चलते हैं, भाई लोग कर रहे हैं गाड़ी चेक। तो भाई खैरियत से आप लोग ठीक ठाक? अच्छा तो भाई गाड़ी चेक भी हो रही है, हम भी देख लेते हैं। फुट बैरी की बात करें तो फुट बैरी का लुक भी हमारा अच्छा है, कोई रस नज़र नहीं आ रहा, लुक ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी आ जाते हैं बैक, ये देखें फेंडर वेंडर का लुक तो वो भी ओके। छत की बात कर लें, छत का शाइन वाइन भरपूर है। अच्छा जी बात करते हैं बैक स्क्रीन की, तो बिल्कुल ओके लुक में। तो अच्छा अब लाइटें वाइटें सब पूरी, मिरर इंडिकेटर कोई ब्रेकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही, अच्छे लुक है, मुनासिब लुक में गाड़ी, शाइन वाइन भरपूर है। इस साइड से फेंडर वेंडर चेक करें तो फेंडर भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है हमें। टायरों की कंडीशन वो भी अच्छी, 90% तकरीबन टायर है। फुट बैरी चेक करते हैं तो फुट बैरी का लुक भी ओके। अच्छा भाई डोर वोर खुला है, तो यहाँ से चेक करते हुए चलते हैं, तो ये देख ले। अच्छा अभी हम दोबारा दिखाते हैं, ये डोर दिखा दूँ, तो ये डोर खुला हुआ है, पंचेज वंचेज आपको इसी तरह नज़र आ रहे होंगे ओरिजिनल लुक में भाई। तो भाई फूड बैरी वगैरह की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल भी कोई रस नहीं है कहीं से, गाड़ी मुझे गली सड़ी नज़र नहीं आ रही है, प्यारे लुक में गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो भाई ये पिलर विलर देखते हुए चलते हैं, फेंडर वेंडर अंदर से भी चेक कराऊंगा, तो आ जाते हैं ये देखिए भाई अंदर चलते हैं देखते हैं। तो भाई ये देखें आप पंचेज वगैरह डोरियाँ वगैरह, तो ओके लुक में गाड़ी। अच्छा दरवाज़ों के पर्दों की बात करें तो पर्दों का लुक भी हमारा फाइन है। पिलर चेक कर लेते हैं भाई, पिलर का लुक भी तकरीबन ओके की रिपोर्ट है इसकी। अच्छा अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, तो भाई स्टीयरिंग व्हील का लुक भी हमारा अच्छा है। अच्छा साफ़ सुथरी भाई ने गाड़ी रखी है, डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन भी हमारी अच्छी है, देख सकते हैं आप। तो भाई अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो एसी वीसी एलसीडी हर चीज़ ओके की रिपोर्ट दे रही है, कंडीशन प्यारी है, डैशबोर्ड वगैरह का लुक तो वो भी अच्छा है, सफाई का मैार अच्छा है। ये देखें मैटिंग वैटिंग हुई भी है। अच्छा सीटों की बात कर लेते हैं भाई, सीटें देख लें, सीटों में भाई ने कवर चढ़ाया हुआ है, ओरिजिनल सीट्स नीचे हैं, तो सिर्फ केयर किया हुआ है इन्होंने। अच्छा पर्दे पिलर छत सब चेक कर लेते हैं भाई, तो आ जाए जी। छतवत का लुक भी अच्छा ही है, पिछला डोर खोलते हैं भाई, पिछले डोर वगैरह के पंचेस सब आपको दिखा रहा हूँ, लुक देखते चले हैं। दरवाज़ों के पर्दे ओके लुक में। अच्छा जी ये देखें भाई, झड़पें गोले कंडीशन मुनासिब। अच्छा अब हम बात करते हैं बैक पोर्शन वगैरह की, तो भाई बैक पोर्शन भी हो हमारा ओके लुक में। सीटें देख लें भाई, हेडरेस वगैरह सब, सीटों का लुक भी हमारा अच्छा है, मैटिंग वैटिंग हुई है प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी फ्रंट बैक डोर, फ्रंट डोर ही हो गया हमारा। डैशबोर्ड का लुक चलते हैं इंजन रूम की तरफ, तो भाई डोरियों वोरियों का लुक देखें, माशाल्लाह डोरियों का लुक भी हमारा ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। अच्छा बात करते हैं हम माउंटेन की, माउंटेन भी बहुत प्यारी कंडीशन है इसकी। अच्छा सब जॉइंट वॉइंट चेक किए तो भाई ओके लुक नज़र आ रहा है हमें, पंचेज ये आपके सामने। अच्छा जनाब बैटरी इसमें लगी हुई है, तो वो भी तकरीबन भाई बता रहे हैं ओके लुक में बैटरी हमारी। फ्रंट पट्टी की बात करें तो फ्रंट पट्टी की कंडीशन भी अच्छी है भाई, एक्सीडेंटल केस तो तकरीबन गाड़ी नहीं है। अब हम बात करते हैं साइड से डोरियों की, माउंटेन की, तो इस साइड की डोरियों और माउंटेन की कंडीशन भी आपके सामने मैंने दिखाई। अच्छा अब बात करते हैं चेसिस की, चेसिस का लुक देख ले भाई, चेसिस का लुक हो गया, इंजन का लुक भी तकरीबन ओके का लुक है भाई। ये देखिए बोनट का लुक, डोरियाँ वोरियाँ सब चेक करें तो ओके लुक में मुझे गाड़ी नज़र आ रही है। मिलते हैं भाई से, तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है नवीद भाई। नवीद भाई सलाम अलैकुम, माइक लेने भाई। नवीद भाई कैसे मिला, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है भाई। हमारी वर्ष गाड़ी का मॉडल बताइए, डिमांड बताइए। सर मॉडल है 2010 मॉडल GLI टोयोटा क्रोला, और डिमांड कर रहे हैं इसकी 20 लाख रुपए। अच्छा अगर हम इसके ओरिजिनल होने की बात करें तो कितने तक ओरिजिनल, कितने तक सर? साइड्स तो शावर हैं और ट्रंक बोनेट और रूफ जो है वो ओरिजिनल है, साइड पर स्टेचअप है हमारी और बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। हाँ बाकी ओरिजिनल है भाई। तो कीमत में क्या गुंजाइश करेंगे हम इसकी? सर कीमत में जब सीरियस बायर कोई आएगा तो इंशाल्लाह सीरियस ही आएगा, तो दौर है वीडियो वही देखेगा जिसको गाड़ी अच्छी लगी है वही आपको कॉल करेगा इंशाल्लाह। 1980 तक दे देंगे, 1980 में छोड़ देंगे। हमने कितनी बोली इसकी? 20 बोली, 20,000 रुपए का डिस्काउंट है। कुछ और करना चाहेंगे मेरे भाई? जब आएगा तो वो आए, मैं आया हूँ, मैं आप दोनों के दरमियान एक रहा हूँ, तो बस मुझे अच्छा सा डिस्काउंट दे। 1970 तक दे देंगे फाइनल, 1970 में छोड़ देंगे। तो भाई ने कर दिया हमारे कहने पर, 1970 का, इनको 1970 में गाड़ी फाइनल, फाइनल डन, डेड फाइनल, जबरदस्त हो गया। तो भाई लोकेशन नंबर बता दीजिए। लोकेशन है मेरी गुलशन इकबाल, गुलजार एजली मलिक सोसाइटी, और नंबर है 03120844990। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं हूँ कराची ब्लॉगर से काशिफ अंसारी। तो भाई आ गया इस वक्त कराची कार संडे बाजार, तो गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, गाड़ियाँ भरपूर तरीके से आ चुकी है, सौदे हो रहे हैं भाई, तो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकॉन दो तो भैया। तो आइए वीवर्स वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स कल्टस 2007 का मॉडल है। अच्छा कंडीशन की बात करते हैं तो भाई 20% टच अप और तकरीबन 80% ओरिजिनल। लुक अच्छा है, गाड़ी का शाइन अच्छा है, तो दिखा देते गाड़ी, चेक भी कर लेते गाड़ी भाई। चले जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो भाई रूफ, विंडस्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट फ्रंट जाली, अगर हम बात करें बम्पर वगैरह की तो लुक अच्छा है। जाली वाली जो है उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं है। अब बात करते हैं हम जनाब बोनट की, तो ये देखिए भाई साउंड वाउंड जो है मुनासिब है। ये पीस मेरे ख्याल में फेंडर जो है मुझे थोड़ा सा टचअप लग रहा है, जैसे कि भाई ने बताया 20% टचअप और 80% ओरिजिनल गाड़ी। तो ये देख ले भाई रूफ वगैरह, पिलर की कंडीशन, तो पिलर की कंडीशन भी हमारी ओके की नज़र आ रही है। एक्सीडेंटल केस गाड़ी नहीं है, तो चेक करते हुए चलते हैं जी। बाइक बोल रहे हैं बोनट, लेकिन बोनट की लास्ट में बनाएंगे सही भाई। अच्छा टायर देखें भाई, टायर तकरीबन हमारे 90% का हमारा टायर है, अच्छा टायर है, नया ही है तकरीबन। व्हील कैप पे गाड़ी, फुट बैरी की बात करें तो फुट बैरी पे बिल्कुल भी रस नहीं है, किसी किस्म का रस नहीं है, गली सड़ी गाड़ी नहीं है, ओके लुक है। अच्छा जी आ जाते हैं, बात करते हैं फ्रंट डोर की, बैक डोर की, और इसी तरह फेंडर वेंडर देखते हुए चलते हैं। गन मेटैलिक कलर में गाड़ी, शाइन भरपूर, अच्छा लुक। तो ये देखें भाई, अच्छा आप बम्पर की बात कर लेते हैं, बम्पर, लाइटें, बैक स्क्रीन, तो हमारा लुक जो है मुनासिब लुक है। अच्छा गाड़ी वही वाली बात के सर्विस नहीं है, लेकिन फिर भी शाइन भरपूर है भाई। अच्छा छत की बात कर लेते हैं, ओके लुक में छत है इसकी। अच्छा अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड से फेंडर वेंडर चेक कर लेते हैं। टायर, टायर जैसे कि मैंने बताया 90% टायर, व्हील कैप पे गाड़ी, फुट बैरी का लुक तो बिल्कुल 100%, कोई जो है जनाब इसमें वेल्ड वेल्ड का निशान नहीं है, अच्छा रस्टेड नहीं है मामला। आ जाते हैं डोर पे, फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं भाई, फ्रंट डोर का लुक भी हमारा अच्छा है। पिलर चेक करते हुए चलते हैं, तो भाई पिलर विलर का लुक ओके, फेंडर वेंडर का लुक ओके, अंदर से देखते हैं गाड़ी हमारी क्या कह रही है। तो वीवंस डोर खुल चुका है, डोरियों वोरियों का लुक तो वो भी ओके लुक मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा जी दरवाज़ों के पर्दे वगैरह की बात करें तो ओके, बिल्कुल फाइन कंडीशन में। पिलर देख लेते हैं भाई, पिलर का लुक भी हमारा ओके की रिपोर्ट दे रहा है। तो अब बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, स्टीयरिंग व्हील का लुक भी ओके, डैशबोर्ड का लुक, तो डैशबोर्ड का लुक फाइन है। तो भाई एसी वेसी चल रहा है, और जैसा बैक कैमरा वगैरह एलसीडी सब ओके की रिपोर्ट है, फीचर सारे ऑन है। अच्छा बात करते हैं सीट होगी भाई, सीटें भाई ने नहीं डाली हैं, तो बहुत प्यारे लुक में सीट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, कुशन बिल्कुल नए। अच्छा जी मैटिंग वैटिंग हुई भी है साइड से, डोर पिलर छत वत देख लेते हैं। तो भाई छत वत का लुक भी माशाल्लाह प्यारा ही है, तो पिछला डोर खोलते हैं। तो वीवंस डोर खुल चुका है, इधर से भी देख लेते हैं भाई लुक। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं जनाब पिलर विलर की, और भाई ये देख लें गोले की, तो लुक मुनासिब है। अच्छा बैक पोर्शन पे देख सकते हैं भाई, स्पीकर वगैरह इसके लगे हुए हैं। अच्छा ये देख लें सीट वीट का लुक, माशाल्लाह सीटें भाई नहीं डाली हैं। अच्छा मैटिंग वैटिंग प्रॉपर तरीके से हुई है, बैक डोर फ्रंट डोर, ये हो गया भाई अंदर का, इनर हमारा हो गया कम्प्लीट। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं। वीवर्स इंजन रूम की बात करें तो माउंटेन वगैरह का लुक देख सकते हैं, जॉइंट वॉइंट सब ओके की रिपोर्ट मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद बात कर लेते हैं भाई हम थोड़ा सा यहाँ से डोरियों की, डोरियों वगैरह का लुक भी हमारा फाइन है, थोड़ा सा रस्ट है, तो भाई सिर्फ इस जगह पे ये चीज़ें आमतौर पर इसी तरीके से बन जाया करती हैं। अच्छा ड्राई बैटरी हमारी जनाब ओके की रिपोर्ट है, सीएनजी किट मुझे नज़र आ रही है, तो डिटेल ले लूँ भाई से। भाई सीएनजी किट नज़र आ रही है, तो जी सीएनजी किट तो लगा हुआ है पीछे से, वो निकाला हुआ है, सिलेंडर निकाला हुआ है, किट है, सिलेंडर निकाला हुआ है, पेट्रोल पे स्टार्ट है। हाँ पेट्रोल पे ठीक है भाई, गाड़ी हमारी पेट्रोल पे स्टार्ट है। अच्छा अब बात कर लेते हैं फ्रंट पट्टी की, तो फ्रंट पट्टी का लुक भी हमारा ओके। इस साइड से डोरियाँ माउंटेन वगैरह देखते हैं, तो भाई ओके की कंडीशन है, रिपोर्ट है, ये देख लें भाई। अच्छा ये हो गया भाई हमारा चेसेस वगैरह का लुक, बैटरी भी अच्छे लुक में हमारी, नंबर टिकली, तो ये सब ओके है। इंजन में भी अच्छा, कोई ऑयल लीकेज वगैरह फिलहाल नहीं नज़र आ रही मुझे, तो अच्छा लुक है। बोनट चेक कर लेते हैं भाई, बोनट वोनट का लुक भी हमारा ओके, तो मिलते हैं इसी बात पे भाई से। तो वीवर्स जेवर अली भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू जी, जी दुआ है जी बस गला। तो भाई बताइए गाड़ी का क्या मॉडल है, क्या डिमांड है हमारी जी? गाड़ी सन 2007 का एंड का मॉडल है जी, ये 9 लाख डिमांड है जी। 9 लाख डिमांड जी जी। अच्छा टैक्स हाँ सब कुछ, टैक्स बैग सब कुछ क्लियर है जी। पेट्रोल एवरेज वगैरह सब ओके। हाँ पेट्रोल एवरेज ये थर्ड जी जी। भाई तो कीमत में क्या गुंजाइश करेंगे, थोड़ी सी गुंजाइश करेंगे, गुंजाइश तो करेंगे, जो लेने वाला हो कर लेंगे जी, जितना भी हो सके करेंगे जी। पहले भी हमें अच्छा डिस्काउंट जी जी उम्मीद करते हैं, जबरदस्त अच्छा डिस्काउंट जी जी। क्या डिस्काउंट? इसको इंशाल्लाह कोई लेगा तो 8-50 40-50 तक भी दे देंगे जी
जी जी हाँ, बहुत कॉल आया मेरे, बहुत कॉल आया जी जी, आया काफ़ी लोगों को कॉल आया। हाँ डिस्काउंट करेंगे जी, कोई लेने वाले हैं तो हम नो तो बोल रहे हैं, इनका कार्ड लग 40-50 में बोलेंगे उससे। तो भाई हमने कर लिया भाई को राजी डिस्काउंट के लिए, भाई कितना डिस्काउंट हो जाएगा बता दें आप? 40-50 हज़ार डिस्काउंट हो जाएगा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा भी अगर होगी तो हो गया, नहीं 40-50 हो जाएगा जी। 40-50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, बोले इंशाल्लाह कोशिश होगी, अच्छा भाई रहेगा तो जी जी। तो भाई ये हमारी बात हो गई है भाई से, भाई नंबर शेयर करें, लोकेशन बताएं जी। नंबर तो हमारा 0300-82-40510 जी 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 जी, ठीक। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। वीवस किया क्लासिक 2000 का मॉडल है भाई, अच्छा बाहर से शावर अंदर से ओरिजिनल। ये गाड़ी मैं उन भाइयों के लिए डाल रहा हूँ जो कि कहते हैं काश भाई कम रेट की गाड़ियाँ दिखाया करें, और काम उनका है भाई गाड़ियाँ तैयार करके बेचना। तो मेरे उन भाइयों के लिए गाड़ी जो लेके गाड़ी तैयार करके बेचे, लेकिन गाड़ी का लुक ऐसा है कि इसी उसमें भी आप लेके बेच सकते हैं, 2-4 चीज़ें शो वो की लगा दें तो भाई यही गाड़ियाँ पैसे कमा के देती हैं। शुरू कर लेते हैं, रूफ वगैरह की कंडीशन आपको नजर आ रही होगी तो भाई ये देख लें, रूफ विंडो स्क्रीन बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली। तो ये लुक है, अच्छा बम्पर वम्पर की कंडीशन हमारी ओके है, सिर्फ जाली में थोड़ा सा मैं दिखा दूँ जो जो काम है भाई, साइड से देख सकते हैं आप। तो ये पार्किंग लाइट, तो ये देख सकते हैं, अच्छा ये टचअप यानी कि ये हुआ हुआ हल्का सा, विंडो स्क्रीन हमारा ब्रेक है तो भाई विंडो स्क्रीन चेंज होगा। बाकी खर्चे आप अपने जहन में रखते रहें, गाड़ी देखते रहें, इंशाल्लाह कोशिश होगी रेट अच्छे कराऊँ। तो भाई ये देखें, योगी हमारा फेंडर का लुक, पिलर का लुक तो हमारा फाइन है। छत की बात कर लें, छत की कंडीशन, छत ब्लैक कलर की भाई ने रेडी की हुई है इसकी, तो ये लुक है। टायर एलॉय रिम है, टायर में तकरीबन हमारे 85% के टायर एलॉय रिम, अच्छे लुक में है गाड़ी। फुटबेरी देख सकते हैं भाई, फुटबेरी दिखाऊँ तो फुटबेरी की कंडीशन हमारी तकरीबन ओके की रिपोर्ट है, थोड़ा सा काम है तो भाई ये है, गाड़ियाँ चलती हैं तो भाई काम होते हैं, और ये मेरे उन भाइयों के लिए जो गाड़ी लेके तैयार करते हैं। तो भाई ये देख लें, डोर वोर देख लें, अच्छा फेंडर वेंडर माशाल्लाह, आप एलॉय रिम वगैरह देखेंगे ना बड़े प्यारे कंडीशन के एलॉय रिम में, ये देखें भाई साइड वाइड देख लें आप गाड़ी की, तो स्पाइरल वगैरह लगा हुआ है ये देख सकते हैं। अच्छा भाई छत दिखाता हूँ इस साइड से आपको, दिखाते हैं भाई बैक स्क्रीन वगैरह, लाइटें वाइटें तो लाइटों का कोई खर्चा नहीं है भाई, ये इन्होंने भाई एग्जॉस्ट लगाया हुआ साइलेंसर, तो डिटेल ले लेंगे थोड़ी सी। एग्जॉस्ट साइलेंसर पर मेरी अभी नज़र पड़ी है, फेंडर वेंडर का लुक तो भी ओके का लुक है। इस साइड से फुटबेरी देख लेते हैं, डोर खुल रहा है तो भाई ये भाई ने डोर दोबारा बंद कर दिया भाई, अच्छा है सहूलत से बन जाएगी। तो भाई ये लुक हो गया, पिलर विलर देख ले तो पिलर का लुक भी हमारा अच्छा है। इस साइड से फेंडर देखते हैं तो ज़्यादा खर्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई डोर वोर देखें, डोर वोर का लुक भी हमारा फाइन है, अच्छा पिलर चेक कर लेते हैं तो भाई पिलर का लुक देखते हुए चलते हैं। ये देखें पिलर की कंडीशन ये हमारी, तो स्टेयरिंग व्हील देख लें, स्टेयरिंग व्हील डैशबोर्ड वगैरह, तो डैशबोर्ड का लुक भी फाइन है भाई। एसी वेसी चल रहा है? एसी नहीं चल रहा, सिस्टम विस्टम लगाया हुआ आपने, साउंड सिस्टम तो ये चल रहा है, तो भाई घरेलू साउंड सिस्टम है जो चल रहा है। मैटिंग वैटिंग हुई हुई है, सीटें देख ले भाई, सीटों का लुक भी हमारा मुनासिब है, ओरिजिनल सीट्स हैं भाई, ओरिजिनल सीट्स हैं भाई अभी तक। तो मेरे ख्याल में गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटे मोटे काम है। तो ये देखें भाई पिलर विलर छत वत का लुक तो ये हो गया, तैयार करा के बेचें, थोड़ा सा खर्चा कर लें, इंशाल्लाह गाड़ी अच्छे पैसे देगी। तो भाई ये देखें डोर का लुक फाइन लुक है, दरवाज़ों के पर्दे वगैरह, पर्दों पे भी कोई खास खर्चा नहीं करना भाई, ये देखें ओरिजिनल पर्दे लगे हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं पिलर की, तो पिलर का लुक ओके, ये देखें भाई गोले वगैरह, अच्छा स्पीकर लगे हुए। सीटों की बात करते हैं तो सीटों का लुक तो मैंने बताया, सीटें इसकी ओरिजिनल है, फाइन लुक में सीट्स हैं। मैटिंग वैटिंग हुई हुई है, दरवाज़ों के पर्दे बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई खर्चा नहीं करना है भाई। तो ये लुक हो गया, इंजन रूम चेक करते हैं। तो भाई अब ये देख लें डोरियों वोरियों का लुक, तो डोरियों का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, माउंटेन का लुक, माउंटेन का लुक ये भाई। अच्छा बैटरी तो मेरे ख्याल में भाई भाई बैटरी नहीं डाली हुई आपने? ओ भाई बैटरी की रिपोर्ट तो भाई बिल्कुल ओके की है, नई बैटरी डली हुई है। अच्छा अब हम बात करते हैं, ये देखें फ्रंट पट्टी की ओके लुक है, अच्छा डोरियाँ देखें, माउंटेन का लुक तो सामने ही नज़र आ रहा है आपके। चेसिस वेसिस का लुक देख ले भाई, इस साइड से दिखाता हूँ मैं जब तक आपको, बैटरी नंबर लगा हुआ है, टिकली लगी हुई है भाई, सब ओके। अच्छा अब हम बात करते हैं इंजन की, तो इंजन की कंडीशन भी हमें नॉर्मल लग रही है, गाड़ी को चाहिए सिर्फ सर्विस, बाकी बोनेट वोनेट चेक कर ले भाई, तो बोनेट का लुक भी हमारा तकरीबन फाइन है। मिलते हैं इसी बात पे भाई से, और कोशिश होगी रेट अच्छे कराऊं। तो व्यूअर्स गाड़ी का ओनर जहांगीर भाई हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, कैसे हैं मिजाज? वालेकुम सलाम, खैरियत से है? आप सुना ठीक है, अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर भाई गाड़ी का मॉडल बताइए, डिमांड बताइए। 2000 मॉडल है सर, 290 मांग रहे हैं। कितने मांग रहे हैं? 290। अच्छा तो 290 हम गाड़ी का मांग रहे हैं, गाड़ी छत आपने पेपर लगाया हुआ छत पे? जी सर पेपर लगा भाई। तो भाई ये लुक है भाई की गाड़ी का, भाई कितने ओनर गाड़ी है? एक ही ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी सर। ये जबरदस्त हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि फर्स्ट ओनर आपने बता दिया, टैक्स क्लियर, 22 तक लगा हुआ है? 5 तक लगा हुआ है। बाकी क्या सिलसिला रहेगा, आप पे करेंगे?
सर जो लेगा वही पे करेगा, उन्हें वही पे करेंगे जी सर। अच्छी बात है जी सर। तो कीमत में अच्छा सा डिस्काउंट दे दें, आपने बोला मैंने कि 290 सर 270 तक कर देंगे, 290 बोला था 270 तक कर देंगे। तो ये कितना हमारा 20,000 डिस्काउंट है जी। कुछ और भी कर ले, थोड़ा बहुत बढ़ा दे कुछ सर, इससे मुनासिब नहीं है, काम कराया हुआ है। कह रहा हूँ मैं, खुश हो जाइए अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। सही है सर, होगा कुछ जी सर, जो आएगा उससे करा लेंगे फिर। क्या कर देंगे मुझे भी तो बताएं ना आप दोनों के दिन में, तो यार इंशाल्लाह अच्छा ही दही तक कर देंगे सर, इससे ज़्यादा दही तक दही जी। ठीक है भाई, भाई ने मेरे कहने पे मजीद 20,000 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, ऐसे ही भाई जी सर। सही है, तो 2.5 में मिल रही है आपको गाड़ी। अच्छा मेरे भाई नंबर बता दिए, लोकेशन बता दिए सर, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 11 सॉरी गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 17, वहाँ पे सर आ जाएंगे। तो मेरा फ़ोन नंबर है 03-11-22-83902। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आरिफ भाई हमारे आए हुए मार्केट, पूछते हैं कैसे आना हुआ, खैर खैरियत पूछते हैं। सलाम वालेकुम आरिफ भाई, खैरियत से आप? माइक लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ मार्केट ये बताइए। सर हम कोई कार देखने आए हैं, कोई अच्छी, कोई 7-8 लाख रुपए की रेंज में। अच्छा ठीक है, कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कौन सा मॉडल लेना चाह रहे हैं? कोई मरगला मिल जाए या कोई पीछे का मॉडल का रोला मिल जाए। ठीक है, रेंज क्या है मेरे भाई? तकरीबन है कोई 8-8.5 लाख रुपए तक की। 8-8.5 लाख। अच्छा अभी बताएं कि 8-8.5 लाख में हो गई हमारी गाड़ी, सही है? तो रेंज थोड़ी सी बढ़ सकती है मामूली सी? हाँ, अगर 20-30 हज़ार का होगा ऊपर तो कर लेंगे गुंजाइश। गाड़ी होगी तो 20-30 हज़ार और बढ़ेगा इंशाल्लाह। भाई तो अपना नंबर शेयर करिएगा। 03132081682। ठीक है, तो भाई मेरे जिन भाइयों के पास गाड़ी हो भाइयों से रब्ता कर ले। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। वीवन ऑल्टो 2009 का मॉडल है भाई, कंडीशन की बात करते हैं तो 50% टच अप, 50% ओरिजिनल लुक अच्छा है गाड़ी का। चेक भी किए, दोबारा चेक कर लेते हैं तो भाई रूफ, विंडस्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली, तो बम्पर वम्पर का लुक भी अच्छा है। अच्छा जी, जाली वाली की बात करें तो भाई गाड़ी अपने ओके, सामान पे अपने सामान पे, लाइटें वाइटें भी ओके, थोड़ा सा काम है तो भाई ये जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ विंडस्क्रीन पे स्क्रैच आया हुआ, एक तो ये वाइपर का स्क्रैच है और एक ये ब्रेक का स्क्रैच है, तो बाकी गाड़ी का लुक हमारा मुनासिब है। तो भाई थोड़े से खर्चे करके ना इन गाड़ियों पे और थोड़ा सा शोशा करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये लुक हो गया अच्छा, रूफ हो गया, पिलर हो गया, फेंडर वेंडर दिखाते हैं आपको। ये देखें भाई फेंडर वेंडर का लुक हमारा ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं भाई, चेक भी करते हैं गाड़ी को। तो ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें, इसको हम कहते हैं कि 50% ओरिजिनल, 50% टचअप, तो लुक टाइट है। चले अच्छा, व्हील कैप पे गाड़ी, टायर तकरीबन हमारे 85% का हमारा टायर है, ये अलॉय रिम पे हमारी गाड़ी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फुटबैरी की, तो फुटबैरी का लुक भी हमारा अच्छा है, फ्रंट डोर, बैक डोर, फेंडर वेंडर का लुक, तो फेंडर का लुक भी ओके, पिछला डोर देखते हैं भाई, तो पिछले डोर का लुक भी हमारा ओके। भाई खोल रहे हैं डिग्गी, तो भाई भाई ने खोली डिग्गी, डिग्गी दिखाता हूँ आपको, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि बंदा अपनी गाड़ी खुद चेक कराता है भाई। तो ये देखें, पहले आप जॉइंट वाइंट देख लें, तो ओके लुक है जॉइंट वाइंट का। अच्छा अब आपको दिखाते हैं भाई साइड से डोरियों का लुक, तो मुनासिब लुक में डिग्गी भी हमारी ओके लुक में। भाई भाई थोड़ा सा ये हटा दें, बोर्ड हटा दिएगा, तो भाई भाई हटा रहे हैं बोर्ड, ये देखें आप, तो भाई अंदर से तो 100% ओरिजिनल है भाई की गाड़ी। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, स्पीकर विस्पीकर लगे हुए हैं, ये मैंने लुक दिखा दिया। इस साइड से फेंडर वेंडर देखें भाई, गाड़ी का शाइन भी अच्छा है, तो मुनासिब शाइन में गाड़ी है। फुटबैरी चेक कर लेते हैं भाई, तो फुटबैरी में भी किसी किस्म का काम नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, बैक डोर, फ्रंट, अच्छा पिलर विलर का लुक भी हमारा ओके है। तो भाई ये लुक है, आ रहा हूँ, तो भाई ये लुक हो गया, ये देखिए फेंडर का लुक। तो सामने भाई भी अपने गाड़ी के लिए हमें बुला रहे हैं, चलेंगे भाई के पास ही, पहले ये कंप्लीट कर लूँ, अंदर से देखते हैं। ये देखिए भाई डोर वोर, तो माशाल्लाह डोरियाँ देखें आप, ओके लुक में है, तो बेहतरीन लुक लग रहा है, मुनासिब लुक लग रहा है। कीमत इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई कीमत अच्छी हो हमारी गाड़ी की। कुछ भाई लोग आए हुए, इनसे भी सलाम दुआ कर ले। भाई खैरियत से आप लोग? ठीक ठाक है। कौन सी गाड़ी लेने आए, चले आपसे बात करते हैं। हम स्विफ्ट लेने आए। स्विफ्ट लेना है, पहले नाम हम बता दो। नाम है मेरा जुबैर। जुबैर भाई, और भाई जो साथ खड़े हुए? मेरा नाम रोहन है। रोहन भाई, तो भाई कौन सी गाड़ी, मॉडल वॉडल बता दें हमें। स्विफ्ट ढूंढ रहे हैं, 16-17 का मॉडल। 16-17 क्या रेंज है, रेंज बता दो। रेंज इतने की गाड़ी होगी उतने की ले लेंगे, गाड़ी के हिसाब से। अच्छी होनी चाहिए बस, हाँ। रेंज का मसला नहीं है। नहीं सही है भाई, इसी बात पे नंबर शेयर करें अपना। 03-09। ठीक है, 2224868। ठीक है, तो भाई मेरे भाई आए हुए गाड़ी ढूंढ रहे, गाड़ी ढूंढ रहे, जिन भाइयों के पास अच्छी गाड़ी हो, तो भाई की रेंज की गाड़ी हो तो आपस में रब्ता कर ले, नंबर हमने दे दिया। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो भाई पिलर विलर का लुक दिखा देते हैं हम आपको, पिलर का लुक हमारा फाइन है, अंदर से कंडीशन चेक करते हैं, आ जाते हैं भाई हम, ये देखें। अच्छा स्टीयरिंग व्हील हमने चेक कर लिया, डैशबोर्ड वगैरह का लुक भी हमारा फाइन है, एसी वर्किंग में नहीं है, तो भाई जो भाई चाहे लेके, एसी का काम छोटा मोटा है तो मेरे ख्याल में गैस वैस का काम है, वो मैं डिटेल ले लूँगा। एसीडी वगैरह चल रहा है भाई, लुक अच्छा है।
अच्छा भाई, और भाई भी आए हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं, अभी देख लेते हैं उनसे, थोड़ा ज़रा वीडियो भी बना लूँ मैं। आधे इनमें शर्मा रहे हैं और आधे जो है वो जनाब तैयार हैं कि हमें वीडियो बनानी है, तो शर्माने वालों का फैसला होने दें, फिर देखते हैं इनकी बात होती है। भाई बोनट वोनट यहाँ से दिखाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इंजन रूम की, तो भाई बोनट वोनट देख लेते हैं इंजन की कंडीशन, तो नंबर टिकली विकली सब हमारे सामने, भाई ये देख ले हैं बैटरी वाटरी की लुक, तो वो भी अच्छा है। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, हमारे ये भाई भी आए हैं। भाई खैरियत से आप लोग? ठीक ठाक है। माइक ले लें इसी बात पे। तो भाई पहले तो नाम वाम बता दें अपना। मोहम्मद सुफियान। तो भाई सुफियान भाई वगैरह आए हैं गाड़ी देखने। भाई सुफियान भाई कौन सा मॉडल लेंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे? गाड़ी तो 2008 बता रहे हैं। सही है, गाड़ी कौन सी लेंगे? और गाड़ी तो अभी ये देखेंगे, आल्टो लेंगे। आल्टो गाड़ी 2008 तक का मॉडल, गाड़ी जेन्युइन चाहिए जी। रेंज क्या बता रहे हैं? रेंज तो 7 तक की है। 7 तक की रेंज है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, देखेंगे बाकी अल्लाह वाली। तो भाई इसी बात पे अपना नंबर शेयर करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर बाकी आप थोड़ी कम करवा सकते हैं ना, करवा दें इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। आप मुझे मोबाइल नंबर दीजिए। चले ठीक है, 0310 ठीक है 1041686 ठीक है। तो भाई मेरे जिन भाइयों के पास गाड़ी हो भाई से रابطہ कर ले, भाई के मॉडल की गाड़ी, भाई के रेंज की गाड़ी, तो आपस में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो भाई मैंने दिखाई आपको गाटरी वाटरी का लुक, अच्छा साइड से डोरियों मोरियों का लुक, तो डोरियों मोरियों का लुक भी देख लें। अच्छा ये हो गई भाई हमारी फ्रंट पट्टी का लुक, तो फ्रंट पट्टी का लुक ओके। साइड से दिखाऊं माउंटेन वगैरह, अच्छा चेसिस वेसिस का लुक तो वो ओके। अच्छा इंजन की बात करें तो इंजन का लुक टाइट है, यानी कि बात ये कि कंडीशन जरूर हम पूछेंगे। अब हो गई हमारी बात बोनट की, तो मिलते हैं इसी बात पर हम भाई से। तो व्यूअर्स गाड़ी को ना तोरगुल भाई हमारे साथ है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज आप लोग? ठीक हो? खैर खैर तमाम है, ठीक है। गाड़ी का मॉडल वॉडल बता दें हमें और क्या डिमांड है इस गाड़ी की, बता सर। ये नो मॉडल है, 750 डिमांड है। 750 डिमांड जी, 750 डिमांड है, नो मॉडल है, आल्टो VXR है। सही है जी। टैक्सेस वैक्सेस क्लियर सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर देंगे आपको हर चीज़। ओरिजिनल कितने परसेंट टचअप? बस 50% होगा तकरीबन, बाहर से अंदर से जेन्युइन है, बाहर से टचअप मचअप। 50% जी जी, 50% ओके सर। भाई क्या गुंजाइश करेंगे? बस कर लेंगे, जब पार्टी आएंगे 19-20 कर लेंगे। वो छुपाने वाली बात ही नहीं है इंशाल्लाह, सर कर लेंगे 10-15 तक गुंजाइश कर लेंगे। 20,000 समझ लूं? ठीक है, बस इससे भाई 10-15 बोल रहे तो मैंने कराए 20,000 रुपये। भाई लोकेशन कहाँ पर गाड़ी मिलेगी? लोकेशन सर बल्दिया टाउन में मिलेगी, सेक्टर 4C, और मोबाइल नंबर 0342-12-64-093 ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स मित्सुबिशी लांसर। अच्छा भाई बात ये कि न्यूली शावर्ड है, गाड़ी का शाइन बहुत प्यारा है, गाड़ी का लुक बहुत प्यारा है, तो भाई थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं हम भाई से। तो भाई जरा डिटेल विटेल बता दें, क्या मॉडल है, क्या कुछ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। 91 मॉडल है। ठीक। अच्छा, CNG और पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है। सही। गाड़ी का नया कलर कराया मैंने। सही। और 3,50,000 रुपये इसकी डिमांड है। ठीक है, हम कराएंगे आपसे डिस्काउंट, ज़रा दिखा दें हम अपने व्यूवर्स को वीडियो। सही है भाई, तो व्यूवर्स वीडियो शुरू कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको गाड़ी, फिर कराएंगे भाई से कुछ ना कुछ डिस्काउंट। तो भाई देख ले, रूम विंड स्क्रीन बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं गाड़ी की कंडीशन। तो भाई जाली वाली की कंडीशन की बात करते हैं, तो किसी किस्म की मुझे ब्रेकेज नजर नहीं आ रही, एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, तो ये भी आप देख सकते हैं, न्यू नंबर प्लेट में गाड़ी है। अच्छा बात करते हैं फेंडर की, तो फेंडर वगैरह का लुक भी हमारा ओके। स्क्रीन में कोई ब्रेकेज नहीं है, ये देख सकते हैं छतपत का लुक, तो माशाल्लाह छत का लुक भी अच्छा है, पिलर विलर का लुक, पिलर का लुक भी हमारा टाइट है। टायर की बात करते हैं, तो भाई टायर हमारा तकरीबन 90% टायर है। अच्छा कंपनी फिटेड स्टेपनी लगी हुई है। फुटबेरी की बात करें तो फुटबेरी का लुक भी टाइट है, फुटबेरी में किसी किस्म का कोई रस्ट नजर नहीं आ रहा। डोर की बात कर ले तो भाई डोर का लुक भी ओके। बैक डोर वगैरह देखते हुए चलते हैं, बैक फेंडर का लुक तो भाई वो भी टाइट है, बैक फेंडर का लुक टाइट है। छत का शाइन आपको यकीन नज़र आओ, गाड़ी में शाइन भरपूर है, लाइट थोड़ी सी डल हो चुकी है, लेकिन फिर भी गाड़ी का लुक आपको दिखा देते हैं। बैक बम्पर वगैरह देख सकते हैं हम, लाइटें वाइटें कोई ब्रेकेज नहीं है। अच्छा जी ये कर ले बात हम, तो भाई बैक स्क्रीन का लुक भी हमारा ओके। इस साइड से देख लेते हैं गाड़ी, चेक कर लेते हैं, तो भाई आ जाए ये देखें भाई बैक फेंडर लुक अच्छा है। अच्छा टायर मैंने जैसे दिखाया, तो भाई 90% का तकरीबन हमारा वाला टायर था, ये भी तकरीबन 90-95% के हमारे टायर है, टायर में कोई खर्चा नहीं करना। अच्छा जी फुटबेरी का लुक हो गया, डोर का लुक हो गया, डोर वोर का लुक, बैक डोर फ्रंट डोर देखते हुए चलते हैं, देख लें भाई। तो ये हमारा लुक है भाई, आपको दिखाते हैं पिलर और फेंडर, फेंडर वेंडर का लुक भी आप देख लें। अंदर से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई दरवाज़ों की डोरियाँ वगैरह आपको दिखाते हैं, आप डोरियाँ चेक कर सकते हैं, डोरियों की कंडीशन। अच्छा जी दरवाज़ों के पर्दे ये देखें भाई, दरवाज़ों के पर्दे देख सकते हैं, तो ये लुक है। अच्छा अब हम बात करते हैं भाई पिलर की, तो पिलर का लुक देखते हुए चलते हैं, पिलर का लुक हमारा ये भाई। अच्छा आपको दिखाते हैं जनाब स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड, तो भाई स्टीयरिंग व्हील की बात कर ले तो स्टीयरिंग व्हील इसका अपना है ना भाई, तो भाई स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का तकरीबन समान अपना है। डैशबोर्ड की बात करते हैं, डैशबोर्ड भी अपना
मित्सुबिशी लैंसर देख रहे हैं 91 मॉडल। तो भाई एसी वैसी हमारा चल रहा है या बंद है? एसी चल नहीं रहा है। एसी नहीं चल रहा, ठीक है, सामान पूरा है भाई, एसी का सामान पूरा है। आप चाहे तो गैस वैस डलवा के जो भी इसकी सर्विस है वो करा के एसी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कर लें इसको सर्दियों के बाद। तो भाई ये बात है, सीटों पे कवर चढ़े हुए हैं, कवर की कंडीशन भी मेरे ख्याल में मुनासिब ही है। अच्छा बात करते हैं हम दरवाज़ों की, पिलर की, छत की। तो भाई छत की कंडीशन देख लिया, छत का लुक ये है, लाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं दिखाते हैं आपको। तो भाई दरवाज़ों के पर्दे वगैरह आपको दिखा देते हैं, कंडीशन तो ये देख सकते हैं। डोरियों की थोड़ा सा ज़रा लाइट कम है, लेकिन डोरियों की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी ये देखें भाई, जड़ पे देखें गोले का लुक, तो भाई गोले का लुक देख सकते हैं आप। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये देखें सीटों की, सीटें दिखाते हैं भाई। तो सीटों का लुक आप देख सकते हैं, ये लुक सीटों का है, मैटिंग हुई हुई है, देख सकते हैं भाई आप। अच्छा बैक डोर, फ्रंट डोर। अच्छा अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, तो भाई डैशबोर्ड का लुक हमारा ये है। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी हमारी क्या कह रही है। तो व्यूअर्स माउंटेन वगैरह की कंडीशन आपको दिखा देते हैं भाई, इस साइड से आपको दिखाते हैं हम डोरियों की कंडीशन। तो डोरियों की कंडीशन भी हमारी फाइन है, कोई किसी किस्म का वेल्ड वेल्ड का निशान नज़र नहीं आ रहा, एक्सीडेंटल केस गाड़ी नहीं है हमारी। अच्छा फ्रंट पट्टी की बात करें तो फ्रंट पट्टी का लुक भी हमारा ओके, ये देख सकते हैं। अच्छा इस साइड से बात करें तो भाई इस साइड से आप डोरियाँ चेक कर सकते हैं, डोरियों की कंडीशन ये देखें भाई, माउंटेन का लुक तो ओके, कंडीशन में माउंटेन है। अब बात करते हैं भाई, भाई इसका इंजन रूम तो अपना ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है भाई, जेन्युइन ओरिजिनल इंजन रूम, तो देख सकते हैं। अच्छा जी नंबर हो गया, टिकली हो गया। अच्छा मेन चीज़ें ये होती है भाई, गाड़ी वगैरह में आपको कोई रस नज़र नहीं आएगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है गाड़ी की। बाहर से शावर फाइन लुक के लिए, शावर किया है फ्रेश लुक के लिए, तो अच्छा ही शावर है। ये लुक हमारा बोनट का हो गया। अच्छा बात करते हैं भाई स्पेशली हम बोनट की डोरियों की, तो ये देख लें, लाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे भाई। ये लुक है, तो मिलवाते हैं हम इसी बात पे आपको भाई से। तो भाई गाड़ी का ओनर फरूख भाई हमारे साथ है, फरूख भाई से मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरूख भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई गाड़ी का मॉडल बताया आप और डिमांड बता दो, क्या है मॉडल? ये 91 मॉडल है, ठीक है, 3,50,000 रुपये इसकी डिमांड है। 3,50,000 रुपये। अच्छा अगर हम बात करते हैं इसके कलर की, तो कितने, यानी कि बाहर से शावर अंदर से ओरिजिनल कह रहे हैं, मतलब यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकी टायरों का में कोई काम किसी किस्म का? कुछ भी नहीं है। ठीक है, टायर आपके तकरीबन नए? तकरीबन सही है भाई। एसी जो है वो वर्किंग में नहीं है, सर्विस करा के एसी ऑन हो जाएगा जी। ठीक है भाई, तो अब ये बताइए लोकेशन हमारी क्या है और डिस्काउंट हम क्या करेंगे? लोकेशन हमारी है नागन चरंगी। ठीक है, डिस्काउंट हम क्या करेंगे? डिस्काउंट में मैं 3,30,000 रुपये की दे दूँगा। 3,30,000। अच्छा भाई आपके जो व्यूवर्स हैं उनको मैं 30,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, 3,20,000 रुपये में गाड़ी दे दूंगा। ठीक है, तो भाई 3,20,000 में छोड़ो भाई गाड़ी। तो ये लुक है गाड़ी का। ठीक है भाई, भाई नंबर मोबाइल नंबर शेयर कर दे। 0314 2656 4355। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।